अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी अयोध्या में पूजा और हवन का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे राम नाम की गूंज चारों तरफ सुनाई देगी। तो इस समारोह में शामिल होने के लिए नेपाल से लगभग 21,000 श्रद्धालु और साधु संत अयोध्या आ रहे हैं, जिनके लिए अयोध्या के सरयू नदी के तट पर भव्य पूजा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। पूजा स्थल पर 1,008 कुंड बनाए जा रहे हैं। बनाए गए सभी कुंडों में मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रहे 1,008 शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक कुंड पर 4 श्रद्धालु और साधु संत शिवलिंग के आगे बैठकर राम नाम का जप करेंगे। हम 2015 में इसी भूमि पर बहुत बड़ा एक यज्ञ किए थे, जिसमें संकल्प लिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर यदि राम मंदिर बन जाता है तो उस समय फिर मैं यज्ञ करूँगा। तो वो मेरा 15 का संकल्प है, जिसमें बड़े बड़े महारथी अशोक सिंघल जी इत्यादि सब लोग थे और सब लोग साथ संकल्प लिए। तो आज वो संकल्प पूरा हो गया, तो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें आपको 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं जो सीताराम नाम का जाप करेंगे। 1,008 मंडली इसमें सीताराम का जाप करेगी। 1,008 नर्मदेश्वर शिव मंगाए हैं, शिवलिंग नर्मदा जी से जबलपुर से उसमें स्थापना करेंगे। उसको चारों तरफ चार चार आदमी बैठ करके सीताराम नाम का जाप करेंगे। वो जो बड़ी यज्ञशाला है उसमें 1100 दंपति राम मंत्र से रामाय सुहा करेंगे, और जिनको रहने के लिए व्यवस्था उधर है, वीआईपी आदमी के, वीवीआईपी आदमी के, जनरल आदमी के सारे व्यवस्था है। और इधर जो है सो सब नाम जापक जो रहेंगे, तो इधर सब नाम जापक जिसमें 10 गो खालसा 10 जगह प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, और यहाँ जो व्यवस्था कर रहे हैं 1,00,000 आदमी के लिए यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। जो अनुमानित 12 तारीख से हम खालसा यहाँ खोल देंगे। जो अयोध्या में जो भगवान के जो आ रहे हैं दर्शनार्थी, जो मान रहे हैं ईश्वर को, हाँ, तो उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था मैं फुल किया हूँ और इसी सेवा में मैं लगा हूँ। और इसको राम जी की कृपा है, ये सफल रहेगा क्योंकि उन्हीं के कृपा से हो रहा है। 22 जनवरी को तो लोगों ने अपना प्राण प्रतिष्ठा प्रशासनिक दृष्टि से लोग करेंगे, लेकिन मेरा यज्ञ 14 तारीख से शुरू हो जाएगा, जो चल करके 25 तक विश्राम देंगे। वही हवन कुंड के लिए 100 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, जहां 14 जनवरी से अयोध्या आए वीआईपी मेहमान हवन करेंगे। साथ यहां रुकने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है।